सिंगरौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी मां ने अपने 5 माह की दुधमुहे बच्चे को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चितरंगी के बेरियवा टोला में एक कलयुगी मां ने अपने दुधमुहे 5 माह के बच्चे को कपड़े में लपेट कर आग के हवाले कर दरवाजा बंद कर दिया। जब धुआं उठने लगा व बच्चे के रोने की आवाज आई तो परिजनों ने दरवाजा तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला और इलाज के लिए चितरंगी सामुदायिक केंद्र ले गए। तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, इसमें गुड्डी बाई करके एक महिला है, उसने अपने 5 माह के बच्चे जिसका नाम है संदीप सिंह, उसको एक गुदड़ी जो होती है उस पर रख करके उसमें आग लगा दी। खुद भी वो जो है हैंगिंग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब आग लगी और धुआं उसका फैला तो घर वालों ने जो है देखा और दरवाज़ा तोड़ करके इनको निकाला। बच्चे को इलाज के लिए भेजा, लेकिन दुखद था कि वो उसको इलाज के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।